हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ इरफान शेख और आप देख रहे हैं द स्पार्टन फिटनेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो वेट गेन करना चाहते हैं, मसल्स गेन करना चाहते हैं और बहुत ही ज़्यादा वर्कआउट पर फोकस करना चाहते हैं। तो बात करते हैं हम उस चीज़ की जो मैं आप लोगों को बना के दिखाने वाला हूँ, जिसमें आपको 500 कैलोरीज मिलेगी, 40 ग्राम प्रोटीन मिलेगी। जी हाँ, 40 ग्राम बॉस, 40 ग्राम। तो 40 ग्राम प्रोटीन और प्लस 500 कैलोरीज। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि हम क्या बनाने वाले हैं, वो है हमारा एक शेक। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा शेक बनाना। तो ये है हमारा इंग्रेडिएंट्स जो कि बहुत ही कम बजट में है। तो सबसे पहले हम अपने एक जार में 250 ml मिल्क लेंगे, उसके बाद 100 ग्राम ओट्स। वैसे तो मैं 50 यूज़ करने वाला था पर ये हमारा बहुत ही ज़्यादा कैलोरीज वाला है। और उसके बाद 10 एलमंड्स और लास्ट में लेंगे 1 स्कूप वे प्रोटीन। और साथ में हमें अच्छी कैलोरीज जो देगा वो है हमारा बनाना। तो इसमें हम यूज़ करेंगे 1 बनाना और इसको थोड़ा स्पाइट करके डाल देंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा चॉकलेट सिरप जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट देने वाला है, क्योंकि शहद यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा पुराना हो चुका है। तो हम शहद की जगह चॉकलेट सिरप यूज़ कर रहे हैं जो कि हमें बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये हम अभी इसको मिक्स कर ले रहे हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिल जाएं, कुछ भी ना बचे, क्योंकि भाई हमें 500 कैलोरीज और 40 ग्राम प्रोटीन चाहिए है। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक अच्छे से बड़े से ग्लास में निकाल लेते हैं। तो अब इसका देखते हैं कि क्या टेस्ट होगा। तो ये हमारा शेक आखिर बन चुका है। तो चलिए, तो गाइस ये था हमारा 500 कैलोरीज का शेक जो कि बहुत इजी है बनाने में। अगर आप जिम जा रहे हैं तो 5 मिनट में आप ये बना सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 1 घंटा लगेगा बनाने में। तो आप इसको 5 मिनट में रेडी कीजिए और पी कर 1 घंटा पहले जिम को निकल जाइए। उसके बाद आप जो जिम में करने वाले हो वो तो आपके साइड वाले देखने वाले हैं फिर। तो आप इसको किसी भी टाइम ले सकते हो दिन में। अगर आप वर्कआउट से पहले लेते हो तो आपको 1 घंटा पहले लेना पड़ेगा ताकि ये हमारी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, आपको अच्छे से एनर्जी देने लगे, उसके बाद आप वर्कआउट करें अच्छा से अच्छा। और अगर आप इसको लेना चाहते हो तो आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, आप इसको एक लंच के बाद ले सकते हैं। अगर आप इसको एवरीडे लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये आपका वेट इंक्रीज़ करेगा, आपकी मसल इंक्रीज़ करेगा, आपका स्टैमिना बढ़ाएगा। तो ये हमारा एक ऐसा शेक है जो लो बजट में है, जल्दी बन जाता है और आपको इतना ज़्यादा रिजल्ट देगा कि आप इसको 1 महीना यूज़ करके देखिए। अगर रिजल्ट ना मिले तो अनसब्सक्राइब कर देना बॉस। तो कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाके पूछिए इसको लेके, किसी भी वीडियो को लेके, किसी भी हेल्थ को लेके। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी तरीके से आप मेरी छोटी छोटी वीडियो से थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेते रहें। और अगर कोई क्वेश्चन है तो मैंने बताया कि आपको करना क्या है। तो जब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। जय हिंद।